गजाननं भूतगणादिशेवितं कफितजम्भूफलचारुक्षुणम् ओमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्। वसुदेव सुतम देवम कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत गुरु। भक्त जय सो नात नहीं भरत जय सो भ्रात नहीं सियासी न मात तीनों लोकों रोहे। शिवरी सो प्रेम नहीं लक्ष्मण सोने मने हनुमत जैसी सेवा साधु श्री मारु है। राम सो राजेशन भारत सो देशन वेद सो संदेशन नहीं सुग्रीव जैसी दौरी है। गंग सो न पानी महादेव सो न दानी संत तुलसी जैसी बाणी न बाणी कुंवर है। लेत सदा सुद दीन की सहज दया की धाम जननी जन कुबी के सुके प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। श्री वृंदावन धाम को मरमन जाने कोय डाल डाल फल पात पे श्री राधे राधे हो। राधे मेरी स्वामिनी हो मैया तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद भागवती महापुराण की। प्यारे भाई बहनों दो शब्द करुणा निधान भगवान के शरण कमलों में प्रवेश करते हुए अग्र श्रीमद् भागवत की कथा में हम सभी एक शंभूत होकर के प्रेम निष्ठ होकर के श्रद्धा बनत होकर के प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आइए दो शब्द करुणा निधान भगवान के शरण कमलों की वंदना में। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
जय हो। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, जय राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे नगर देवता को नमन करते हुए इस व्यास पीठ पर सभी शक्तियों को नमन करते हुए इस कथा प्रांगण में सभी शक्तियों को नमन करते हुए जो भी हमारे कथा पंडाल में संत भगवान पधारे उनके चरणों में नतमस्तकम करते हुए इस कथा पंडाल में सुदूर के अंचलों से आए हुए सभी भक्तों का ये व्यासपीठ स्वागत करती है। बोलिए गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। प्यारे भाई बहनों, यह श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस है और दूसरे दिवस की कथा में हम सभी एक सम्भूत होकर के, एक निष्ठ होकर के, श्रद्धा वनत होकर के हम सभी मेरे प्यारे भक्तों प्रवेश कर चुके हैं। देखिए साहब, शास्त्र ऐसा कहता है जैसी हवा चलनी चाहिए व्यक्ति को उसी हिसाब से बदल देना चाहिए। अभी हमारे भैया जी श्रद्धे आचार्य दिनेश जी महाराज कथाओं का नाना भांति से पान करा रहे थे। हम सभी साथियों के साथ में महाराज हम सभी कथा श्रवण कर रहे थे। तो सत्यता तो यह देखी साहब, मैं सोनकाद ऋषियों को सूत व्यासी कथा का पान करा रहे नीम शरण क्षेत्र में, और नीम शरण का मतलब होता है जहां सभी नियमों का विधिवत रूप से पालन होता है, जहां सभी नियमों का विधिवत रूप से पालन होता हो ऐसी पुण्य पवित्र स्थली को महाराज हम नीम शरण क्षेत्र कहते हैं। ये किसी क्षेत्र का नाम नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, किसी अमुक जगह का नाम नहीं है। नीम शरण का मतलब होता है जहां सभी नियमों का विधिवत रूप से पालन होता हो ऐसी पुण्य पवित्र स्थली को महाराज हम नीम शरण क्षेत्र कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पीछे हमारी आवाज सब भाइयों तक पहुंच रही है प्रेम पूर्वक, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको शुद्ध शब्द मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और समझ में आ रही है बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रही है तो पुनः कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे आप बताएंगे। जब बताएंगे नहीं साहब तो मैं यहां से अंदाजा नहीं लगा सकता हूं। तो कहे प्यार से जय श्री,
जी बोलना पड़ेगा, जी बोलना पड़ेगा जय श्री राधे। तो प्यारे भाई भाई, तो जहाँ सभी नियमों का, तो ऐसी पुण्य पवित्र स्त्री की जगह पर महाराज सा सूत व्यास जी महाराज सौनका दिग ऋषियों को कथाओं का पान करा रहे हैं। वह कथा हमारे अपने इस पवित्र क्षेत्र में और इस अपने ग्राम कुढ़ेरी में यह श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान आयोजन अविराम हुए आज द्वितीय दिवस है। लेकिन हमें सबको अवगत है महाराज, इतना प्रेम पूर्वक हमारा अनुष्ठान चल रहा और उसमें उस प्रभु की जो मर्जी है साहब, उसकी जो गति है महाराज होता वही है। हान लाभ जीवन मरण ये छह चीजें कुदरत ने परीक्षित जी किसी को नहीं दी, ना हमको दी ना आपको दी, अदरवाइज किसी को नहीं दी। कौन कौन सी चीजें हैं? हान लाभ जीवन मरण जस अपयस, ये छह चीजों पर भगवान ने अपना अधिकार रखा है। अगर वो ये छह चीजें भी दे देता तो उस परमात्मा को कोई महाराज समझता नहीं, कुछ समझ नहीं पाता और उस पर कोई विचार ही नहीं करता। तो हान लाभ जीवन मरण जस अपयस ये उसी की अपनी मर्जी है और उसी की अपनी मर्जी के मुताबिक हमें अपना जीवन जीना चाहिए। साफ शास्त्र ऐसा कहता है, शास्त्र कहता है उसी की अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो हमारा ये कितना पवित्र महाराज अनुष्ठान चल रहा था उसमें महाराज प्रभु की कृपा जो उसकी गति, तो उसमें थोड़ा सा हमारे इस अनुष्ठान में विविधान उत्पन्न हुआ, ये भी उसी की गति है साहब, ये भी उसी की गति है। मैं आइए आपको एक भजन से महाराज सत्य कर देता हूं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। आप गौर करेंगे महाराज उस भजन पर। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, समझने की बात। सुख भी तेरे हैं, दुख भी तेरे हैं। ये सुख और दुख ये महाराज मन की मान्यता है, ये सुख और दुख ये मन की मान्यता है प्यारे। तो सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी तो तुम्हारे है, हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। कबीर लिख रहा है सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं। ये सुख भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है महाराज, और दुख भी हमें अपनी कृपा से नहीं है, भी उसी की कृपा से प्राप्त होता है। ये सुख है और ये दुख है, ये जिंदगी रूपी तल के दो किनारे हैं साहब, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है। तो महाराज हमें अपना किसे ले, हमारा अपना कौन है महाराज? हम सुख को कहते हैं सुख मेरा है, तो दुख को भी तो कहीं जगह चाहिए भाई। दुख भी तो किसी का है, दुख भी को तो भगवान ने बनाया है, तो दुख दुख के लिए भी तो जगह है। तो भगवान कहता है सुख भी तेरे हैं और दुख भी तेरे हैं, लेकिन मेरे लिए अपना क्या है? तो कभी लिख रहा है सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, हम किसे कहें अपना, दोनों ही।
सुख और दुख महाराज सुख आए तो हंस लेना। अगर सुख हमें भगवान देता है महाराज तो संतुष्टि रखनी चाहिए। शास्त्र कहता है संतोषम परम सुखम, संतोष में बड़ा पावर है, बड़ी शक्ति, संतोष बहुत पावरफुल है। तो सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना, आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। ये सुख और दुख, अगर सुख हमें भगवान देता है तो इतना मत भूलिए ताकि किसी को परेशानी हो जाए हमारे सुख को देख करके। और दुख आए महाराज दुख तो किसी पड़ोसी से मत कह देना, दुख को महाराज अंदर घुट जाओ पी जाओ। ये सुख और दुख ये मन की मान्यता है, न कोई सुख है न कोई दुख है महाराज, ये केवल मन की मान्यता है। एक कवि लिख रहा है परीक्षित जी, मन के हारे हारे है मन के जीते जीत, मन के हारे हारे है मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से सो मन ही करे हजीत। ये दुख और सुख तो मन की मान्यता है साहब। सुख दुख ही आ कर गे, सुख दुख ही आ कर गे, दुनिया को चलाते हैं हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं, हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख और दुख न होते तो सृष्टि का सृजन नहीं होता साहब। कि सृष्टि हम देख रहे हैं ये नहीं होती, सुख और दुख पे डिपेंड है ये पृथ्वी। ये हमारा जो संसार है, हमारा जो जीवन है, ये दुख और सुख के सहारे से चलता है। ये जिंदगी रूपी महाराज रथ के दो पहिए हैं, एक तरफ दुख लगा है एक तरफ सुख लगा है। अगर सुख ही होता तो ये सृष्टि नहीं चल पाती मेरे प्यारे। तो एक तरफ दुख है एक तरफ सुख है, लेकिन ये हमारे अपने अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर महाराज हमें डिसाइड करना चाहिए कि दुख में हमें घुलना चाहिए या सुख में घुलना चाहिए। लेकिन नहीं साहब, दुख और सुख ये तो आते जाते रहते हैं। ये दुख है आज तो कल सुख मिलेगा, और आज सुख है महाराज तो दुख भी देखना पड़ेगा। ये दुख और सुख का ही नाम महाराज संसार है। सुख दुख ही आकर के दुनिया को चलाते हैं, हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, हम किसे कहें अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, हम किसे कहे अपना, दोनों ही तुम्हारे हैं। जी हम किसे कहे अपना, दोनों ही तुम्हारे। तो प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनों, ये सुख और दुख, सुख साहब ये मन की मान्यता है। आज हमें दुख दिया प्रभु ने तो कल सुख देगा, ये हमारा साक्षी इतिहास है साहब। बड़े बड़े राजा महाराजाओं पर कितनी विपत्ति आपत्ति आई, लेकिन मैं कहता हूँ परीक्षित जी इस धर्म जगह पर बैठ करके मेरे प्यारे भाई बहनों एक बात ध्यान रखना, बांध करके रख लो, एक बात ध्यान रखना, बांध करके रख लो ये शब्द कभी भूल मत जाना। शास्त्र कहता है धर्म पे चलने वाला व्यक्ति
जो धर्म पे चलता है वो परेशान होता है, ये बात नितांत सत्य है परीक्षित जी। जो धर्म पे चलता है मेरे प्यारे भाई बहनों वो परेशान होता है, लेकिन धर्म पे चलने वाला व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता है, परेशान तो होता है ये बात सत्य है, लेकिन धर्म पे चलने वाला व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता है। कहे प्यार से जय श्री, जय श्री। थोड़ा धीरे बोलो, पड़ोसी भी ना सुन ले, अगर पड़ोसी सुन ले वो तो समस्या और ज्यादा जटिल रह जाएगी। इतना धीरे बोलो ताकि पड़ोसी भी ना सुने। तो कहे प्यार से जय श्री। जी 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 बोलना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों आज दुख है तो कल सुख है, ये मन की अपनी मान्यता है तो ध्यान रखें। लेकिन फिर बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं एक बात, तो इस धैर्य से विचलित मत होइए, इस धैर्य से अपने धर्म को मत छोड़िए, इस धैर्य से केवल अपने आप को टिके रखिए। क्योंकि प्रातःस्मरणीय बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो मन को भटकाइए मत, मन को भगवान के चरणों से, भगवान के चरणों का मतलब है अपने धर्म से, अपने कर्म से मन को मत भटकाइए। कर्म हमारा सच्चा है तो किस्मत हमारी दासी है, और आत्मा में संतोष है तो जही मथुरा मत भटक मेरे भाई। तो कर्म होने, जिंदगी जीने की सबसे बड़ी अगर कोई कला है तो वो है कर्म। तो दुख और सुख ये मन की अपनी मान्यता है। आइए मैं यहां से कथा में आगे प्रवेश कर रहा हूं। तो अभी हाल भैया जी कथा का पान करा रहे थे साहब। अच्छा एक और बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं कथा प्रसंग में प्रवेश करना चाहूंगा साहब। एक और बात, अच्छा ये जिंदगी नाम जो है, ये जिंदगी नाम किसका है? ये जो जिंदगी नाम है साहब, ये जिंदगी नाम जीने का नहीं है। अब मेरी बात पर विचार करें थोड़ा, ये गाने बजाने वाली कथा तो होती रहेगी सदियों बाद में हो जाएगी, लेकिन जो मुख्य तत्व है मैं उस बात को कह रहा हूं, ये जिंदगी नाम किसका है? जिंदगी नाम जीने का है, ये बात सबको पता है साहब। जिंदगी नाम किसका है? जीने का है। लेकिन नहीं साहब, यही सबसे बड़ी भूल है, जिंदगी नाम जीने का नहीं है, जिंदगी नाम है मरने का। जिंदगी नाम जीने का ये बहम है, ये बेमतलब का जो फिजूल का बहम है ना, ये जिंदगी नाम जीने का ये भूत है ना हमारे अंदर बैठा है साहब, ये जिंदगी नाम है मरने का। जिंदगी नाम जीने का नहीं है साहब, जिंदगी नाम है मरने का। अच्छा वास्तव में देखा जाए तो हम जिंदा है ही कहां, अगर गहराई के तत्व से देखा जाए, ज्ञान के महाराज नेत्रों से देखा जाए यज्ञपति जी, तो हम जिंदा है ही कहां जो मर जाएंगे। हम तो महाराज पहले से ही मरे पड़े हैं, हम जिंदा ही कहां है जो मरेंगे। अब आप कहोगे महाराज उल्टा बोलता है, उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं महाराज, सत्य बोलता हूं। जिंदगी नाम है मरने का। जिस दिन से माँ के उधर से मेरा जन्म हुआ है परीक्षित यज्ञपति जी, जिस दिन से 9 मास कुछ के बाद मैं बाहर आया हूं, उस दिन से मैं जी का रहा हूं, उसी दिन से मेरा मरना शुरू हो गया है साहब। मेरा से मतलब है हम सबका, हम सबसे मतलब है 84 लाख योनियों का, उसी दिन से मरना शुरू हो गया है। तो जिंदगी जिंदगी नाम जीने का नहीं है, जिंदगी नाम मरने का है। कहे प्यार से जय श्री, जय श्री। बात समझ में नहीं आई होगी तो गहराई से समझ लो, मगर समझने का मौका है साहब। तो जिंदगी नाम आप कहोगे महाराज मरने का कैसे है, वो आइए ऐसे इस तरीके से समझ लीजिए, जिंदगी नाम मरने का ऐसे है साहब। अभी मैं कथा कह रहा हूँ, अभी मैं इस प्रेजेंट में कथा कह रहा हूँ, और 10 मिनट के बाद ये शरीर वो नहीं रहेगा जो अभी है, 10 मिनट के बाद ये शरीर में बदलाव आ जाएगा, आधा घंटे के बाद और बदलाव आ जाएगा, 1 घंटे के बाद और बदलाव आ जाएगा, 1 दिन के अंदर और बदलाव आ जाएगा। तो हर क्षण ये शरीर काल के गाल में जा रहा है, इस शरीर जो शरीर अपना ये जिंदगी है ना, ये हर क्षण महाराज मृत्यु के नजदीक चली जा रही है। तो जिंदगी नाम है जीने का नहीं है, जिंदगी नाम है मरने का साहब। वो हम जिंदा ही कहां है जो मर जाएंगे, हम तो मरे हुए पहले ही से हैं। तो इसलिए धैर्य को मत छोड़िए, अपने धर्म पर आरूढ़ रहिए। आज हमें दुख दिया है तो कल सुख देगा भगवान, बस यही हमारी मुख्य आज की कहने का कथा का जो टाइटल है वो यही समझिए। हमारा दुख और सुख ये मन की मान्यता है, जिसे हम मानते ये दुख है वो दुख है, जिसे नहीं मानते वो सुख है। तो कहे प्यार से जय श्री, जय श्री। चलो तो प्यारे भाई बहन, तो इधर देवर्षि नारद जी,
देवर सी नारद जी जो है ना बिना की दुनिया को। अच्छा नारद जी की परिभाषा क्या है, नारद जी का माने क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करता है, जो अज्ञान को हटा देता है, हमें ज्ञान को दिखा देता है, जो अंधकार को मेट करके ज्ञान के तरफ लेकर के जाता है महाराज ऐसे संत को महाराज शास्त्र माना नारद कहता है। और नारद की परिभाषा नारद, नारद जी की कही हुई बात कभी रद्द ना हो, ऐसे संत को महाराज हम नारद कहते हैं। तो उन्होंने अपना वीणा को लिया और वीणा को लेकर के महाराज आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आगे प्रस्थान कर रहे हैं। कहां के लिए जा रहे हैं, कहां के लिए चले जा रहे हैं साहब? ये देवर्षि नारद जी जो हैं ये कैलाश शिखर के लिए जा रहे हैं, कैलाश शिखर के लिए चले जा रहे हैं, कैलाश शिखर के लिए यूं करके चले जा रहे हैं, यूं करके चले जा रहे हैं। अब वो चले जा रहे हैं कुछ बोलते हुए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं जा रहे। अब संत तो होते हैं साहब, बोलते तो हैं ये कि बोलने के लिए पवित्र वाणी दी है, स्वादिष्ट पकवान करने के लिए तो नहीं दी है ये वाणी, भगवान ने प्रभु के अपने गुणानुवाद के लिए जिव्या पवित्र वाणी दी है। तो कुछ बोलते भी चले जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं? बड़े प्रेम से, आनंद से, भक्ति भाव के साथ में अपन के साथ बोलेंगे महाराज श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नाम जपत है जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, नाम लेते हैं नाम जपत है, नाम लेते हैं नाम जपत है। ये प्यारे जो जो का अर्थ होता है कोई भी भगवान का नाम ले ले महाराज और उसका नतीजा उसे 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 बदले में क्या मिलता है? भगवान का नाम जो लेता है दस इंद्रिय ग्यारहवें मन से प्रेम पूर्वक आनंद भक्ति भाव के साथ में महाराज उसके बदले में भगवान से क्या प्राप्त होता है? तो सुनिए ना, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, नाम लेते हैं नाम जपत है, नाम लेते हैं नाम जपत है, पाप होत सिग, पाप होत सिग नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण जो का माने कोई भी।